आप लोग देखो तो ऐप का फोल्डर मेन है, जैसे कि नेक्स्ट जेएस में होता है, नेक्स्ट जेएस में भी ऐप का है ना, पेजेस का किसका है, ऐप का ही है। मैंने उस दिन एसआरसी सेलेक्ट कर दिया था यार, तो एसआरसी मेन हो गया था लेकिन उसके अंदर भी ऐप ही मेन था। अच्छा अब इसके अंदर पेजेस नहीं है, इसमें वही इंडेक्स वाला सिस्टम है। तुम लोग पीछे बैठोगे, स्क्रीन पे अटकती है, बना सकते लेकिन ऐसे रहने पर। अच्छा अब यहाँ पर देखो ना, ये इन्होंने लिखा है टैब्स राउंड ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं ड्रॉवर लिखता तो ड्रॉवर नेविगेशन बन जाता, टैब लिखा तो ये टैब बार नेविगेशन है, अगर कुछ नहीं लिखो तो स्टैक नेविगेशन है, जो आप लोगों को लगानी पड़ती है नेविगेशन, स्टैक डिफाइन करना पड़ता है, स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन, ये वो वाला सीन है। ठीक है तुम लोग खुद से बोल देगा ना, फिर ऑडी दे दूँ। हाँ नहीं बोल दो घुमा वैसे हाँ इसमें नहीं करना पड़ता, नेक्स्ट जेएस की तरह इसमें नहीं होता नेविगेशन। एक बात तो ये क्लियर हो गई, दूसरा कि अब हमें हम चलते हैं अपनी ऐप में, हमारी मेन स्क्रीन कौन सी थी, ऐप डॉट जेएस, इसके अंदर हमने नेविगेशन स्टैक डिफाइन की थी जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कहाँ से आ रही थी, नेविगेशन से। तो हम जाते हैं स्क्रीन में, एनीथिंग बंद हो गया, जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम देखें स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहले नजर आ रही है, और स्प्लैश स्क्रीन आप कहाँ से लेंगे, वो है स्क्रीन एडमिन पैनल स्प्लैश स्क्रीन, ये क्यों ऐसा नाम लगा है, ऐसा करता हूँ मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, नज़र नहीं आ रहा इनको, ये स्क्रीन बहुत स्लो चल रही है तो इन लोगों को नज़र आ रहा है, ये आगे बढ़ते हैं, इनके पास नज़र नहीं है, ये जो बैठेंगे ना आगे लाइन एनीटेक्स कनेक्ट करके देखता हूँ अब चलेगा एनीटेक्स, ये चलती है यहाँ से, यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, यहाँ आपके पास कनेक्ट हुई गई है, स्लो है मतलब थोड़ी देर में रुक जाएगी, अभी आज की क्लास निकलता हूँ फिर ज़रा देख लेंगे अगर बॉडी मिल जाएगा ना, लॉग इन करेंगे वहाँ से एक
कास्टिंग के अंदर। अच्छा, आप गूगल खोलो, सिर्फ ये मेरी सैलरी होती है। हाँ हाँ, ये आता ही है। आप जो है ना, अपने पास कोई ऐसा गूगल भी चाहिए जिसमें आप कुछ लॉग इन ना करें, उसको कास्टिंग भी होता है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग देखें, ये काम है, इसका पूरे को हटा रहा हूँ फंक्शन, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ होम का नाम। अच्छा, होम यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम मैं जो भी, हाँ इसमें नेविगेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आपने नाम रख दिया टैब फोल्डर का, तो आपका टैब नेविगेशन बन गया। अगर फोल्डर का नाम होगा ड्रॉवर, तो ड्रॉवर नेविगेशन। हाँ, जैसे करते हैं नेविगेट का उठाया और नेविगेट उठाया, राउंड ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर कोई फाइल का नाम लिख दिया, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये क्या ले आओ। अब इसमें आप देखो, अच्छा एक सेकेंड, असल में ये भी जो लेटेस्ट वाला चलाया है ना, ये नेविगेशन वाला है। अच्छा, अगर ये नहीं बना था तो बन जाता, ये शायद इसीलिए बनाया है सिर्फ कि ये आइकन में डिफाइन कर सकूँ। हाँ कर सकते, हाँ कर सकते, टाइप स्क्रिप्ट में। लेकिन इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या तुम लोग? नहीं ना, बस सही वो करता हूँ, वो करा के दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे दो सीन है, एक है इसका नाम मैं रख देता हूँ होम, और यहाँ फाइल है, सॉरी नेम है होम। अभी क्या बोल रहा है, नो राउट नेम फाउंड होम, क्योंकि नेम ही नहीं है यहाँ कोई होम, तो इसको मैं कर देता हूँ होम। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, प्रोफाइल, इसका टाइटल भी रख देता हूँ प्रोफाइल। इसमें कोई सीन नहीं है, फाइल का नेम राउट, हाँ फाइल का नेम ही राउट का नेम। अच्छा, अब आप लोग स्क्रीन कौन कौन सी है ये मैं देखता हूँ। तुमने कौन सी बनाई थी फरहान? मैंने सर शॉप प्रोफाइल का है, तुमने कुछ नहीं किया था? अच्छा, तुम हर लाइन कमेंट किया करो, इससे एक्टिविटी जाती है। अब ये बोल रहा है कि ये इंस्टॉल कर लो, npm i-say native vector icon, और क्या क्या इंस्टॉल करना है, package.json में गए, ये async storage भी कर लेते हैं, यहाँ पर package.json खोल लेते हैं। तो फिर npm i चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो ज़्यादा इजी है, ला सकते हैं, लेकिन एक ही फाइल करके लाते हैं।
तो नहीं अगर ला सर फाइल फाइल के लिए तो बता एक होगी और बोल रहे हैं ये भी कर सकते देखियो एरर क्यों आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट की वजह से। अगर इसका नाम होता है JSX तो एरर नहीं आता और ऐप चल रही। और भी है लेकिन यूज नहीं होता। अपग्रेडेशन आती रहती है फील्ड में, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जो कुछ लूज पॉइंट को लूप होल्स को कवर कर देती हैं। फायदे तो मैंने देखे हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है टाइप स्क्रिप्ट जिसको आपको सीखना पड़े। एक नज़र आप देखोगे हाउ टू डिफाइन टाइप ऑफ दिस बता देगा कि इंटरफेस क्रिएट किया आगे लिख दिया कि आपका नेम आए तो क्या है स्ट्रिंग है नंबर है। फिर आप कोई लॉजिक लिखते हो ना तो बता देता है कि आप नंबर असाइन करना चाह रहे हो ये स्ट्रिंग है तो आप कवर कर लो कोई क्रैश ना हो जाए अभी तक। नॉर्मल फोल्डर भी लोग टाइम स्टोर बनाते हैं। अच्छा और कौन सा फोल्डर बनाओ मेन प्रोफाइल तो बना लिया। एक काम करता हूँ ड्रॉप टैब बार के अंदर एक काम करता हूँ बनाता हूँ ड्रॉवर इसमें ना दो वर्जन है एक राउटर है एक ही नेविगेशन वाला। तो लेटेस्ट में शायद ये नेविगेशन क्रिएट कर दिया और बेहतर भी वही है। एक काम करता हूँ ना ड्रॉवर बनाओ नहीं बनाओ ड्रॉवर बना लेते हैं। अच्छा मैंने जो बनाई थी ना इसमें हमने क्या किया था ऐप के अंदर ड्रॉवर बनाया था और ड्रॉवर के अंदर टैब बनाया था। अच्छा टैब से पहले हमने लेआउट भी बनाया था। और
ऐप के अंदर लेआउट, ऐप के अंदर लेआउट एरा, इसके अंदर लिया गया और ये वो वाला नेविगेशन ड्राइंग करने वाला, ओ सॉरी। अच्छा ब्राउज़र के अंदर जाके क्या करवा रहे, अच्छा अब देखो, अब मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला ड्रावर, ठीक है, सिर्फ बोला ड्रावर। तो इसमें मुझे कुछ चेंजेस लग रही हैं कि यहाँ पे क्लिक करना तो ड्रावर आ गया, बगैर मेरे बताए। अच्छा अगर ये टैब बार में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, टैब्स ड्रावर, तो ये हम कस्टम बना सकते हैं, ये उठा के बाहर लाऊं तो कैसा हो जाएगा। वापसी अंदर ले जाता हूँ ताकि ड्रावर हर जगह चले। अब इस लेआउट में हम ये हटा देते हैं, ड्रावर के अंदर देखो डॉक्यूमेंटेशन देखते हुए चल रहा हूँ, यही स्क्रीन डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा स्क्रीन सिर्फ इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि वो फजूल चीज़ें ना लेके आए, वरना फाइल के अंदर हर चीज़ ले आएगा। ये मैंने यहाँ इसको बोला ड्रावर डॉट स्क्रीन, क्या है, एक है इंडेक्स, और इंडेक्स है ये वाला, बाकी नॉट फाउंड है एक स्क्रीन, नेम इंडेक्स है, तो ऑटोमेटिक फाइल उठा रहा है। फिर हमें एक और ड्रावर बनाना पड़ेगा, ये ड्रावर तो आपने नहीं, अभी नहीं होता। टैब नेविगेशन की नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लटा देता हूँ, डायनेमिक ये नॉर्मल नाम नहीं है, टैब और ड्रावर नाम मतलब पूरे ड्रावर नेविगेशन डिफाइन कर रहे हैं। स्टैक डॉट स्क्रीन और स्टैक, और देखो यहाँ बोल रहे हैं कि दिस इज द नेम ऑफ द पेज एंड मस्ट वॉच मैच द यू आर एल फ्रॉम रूट, क्या चीज़ ये प्रोजेक्ट है। और ये मेरे कहाँ से मैच कर रहा होगा, ये मैच कर रहा होगा, अरे रेड क्यों आ रहा है, खाली है लेआउट, अगर लेआउट खाली है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इंडेक्स के अंदर कुछ खास काम नहीं है, और यहाँ पे मुझे बोलना है इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। आ गया होम, और वो किस तरह से होम आया है,
कि होम आया है सही। देखो ये राउटर इंपोर्ट होता है, हम वहाँ नेविगेशन करते थे ना, यहाँ यूज राउटर इंपोर्ट होता है, वो एक वेरिएबल में जाता है। अच्छा ये नेविगेशन है, ये एक्सपोर्ट राउटर है, राउटर डॉट पुश और वो नाम फाइल। ये मैंने तरीका अच्छा किया था, ये वाला लेआउट वाला। इसमें मुझे किसकी चीज़ जरूरत है, कस्टम बनाया था लेआउट के अंदर, जैसे अगर नहीं ये वाला होम, ये होम मैंने यहाँ डिफाइन किया है। ये हाँ मेरी, इसमें ये इसकी बात कर रहे हो, ड्रावर की फाइल, ये सारा ये फाइलें या ये कोड, ये कोड तो लेआउट का कोड है। लेआउट का मतलब लेआउट का मतलब ही होता है, जैसे देखो ड्रावर अभी क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, होम भी नज़र आ रहा है, टैब भी नज़र आ रहा है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है अभी। इसको हमें पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश के लिए लेआउट इस्तेमाल होगा। लेआउट के अंदर आप बताओगे क्या नज़र आना है क्या नहीं आना। हाँ ड्रावर के अंदर लेआउट बनाते हैं ताकि हम इसको बता सकें कि क्या करना है। अब लेआउट बना दिया, अब ये मारते हैं कॉपी और ये काम करते हैं हम ड्रावर के लेआउट में। एक तो समझ नहीं आ रहा कि हम हैं कहाँ, नहीं अभी ट्रैक कर रहे हैं, पहले मैं कोड करता हूँ फिर इसको सब फल जगह हटा दूँगा। क्या है यह डायनेमिक राउट होगी, जैसे अगर वो नहीं होता अगर कुछ ना मिले तो ये नॉट फाउंड दिखा दे, इस तरह का सीन होगा और खुद ही मैनेज कर रहा होगा। इसमें कुछ नहीं बनता है, तो इसमें रियल में हमने स्टार बना दिया, राउट बनाया स्टार से, इसमें ये बन गया ना, अभी नोट फाउंड जो भी सिचुएशन होगी नोट फाउंड वाली उस पर चलेगा। नेक्स्ट इसमें भी इसी तरह का एक सीन है कि अगर आपने किसी गलत राउट डिफाइन कर दी पर तो नोट फाउंड चल जाएगा। वो भी शायद ऐसे प्लस से बन गया है, कोई और तरीका है, लेआउट भी सेम है बनाने का तरीका वहाँ पे अंडर स्कोर वाला, ये वाले कंपोनेंट वैसे एक काम करता हूँ ना, मैं इसको साफ कर सफाई कर देता हूँ। ये रहने देता हूँ, कलेक्ट्स हुक्स उड़ा देता हूँ, भी नहीं लगाना। अब देखो जरा बिल्कुल क्लीन हो गया, ये आईफोन को भी हटा देता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन करेगा। ये एचटीएमएल का क्या स्क्रीन है, इसको रहने देते हैं, नॉट फाउंड को रहने देते हैं, और इंटेल डॉट जेएस है ना, इसको हम रहने देते हैं, नहीं हटा देते हैं, अगर नहीं चला तो वापस लिया, अभी तो चल रहा है। यहाँ मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ।
स्प्लैश स्क्रीन क्या सिंपल सी एक लाइब्रेरी है जो कि स्प्लैश स्क्रीन लाती है और थोड़ी देर के लिए शो करती है, हाइड कर देती है। यूज़ कलर स्कीम की ज़रूरत नहीं है, हमें स्कीम प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। और असल में इन्होंने थोड़ा इसको पेचीदा कर दिया है, पता चला सबने फाइल पेस्ट करी है, किसी ने एक भी रिसेट मार दिया। रिसेट की कमांड मैंने हटा दी, हैंडगन का वही लग रहा है, वही लग रही है। हाँ, अब जरा इसको चेक करना है कि क्या मसला क्या है इसके साथ। ये लेआउट तो हमें बता रहा है कि हम ड्रावर में ड्रावर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ड्रावर बता रहा है कि हम इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंडेक्स के साथ इसका नाम बोलता हूँ ड्रावर, ठीक है, इसका भी कर देते हैं हम ड्रावर। अब ड्रावर आइकन होते हैं इसके अंदर, ये ड्रावर आइकन। अब तुम लोग इसके अंदर आइकॉनिक आइकन्स भी बोल सकते हो, और यहाँ भी ड्रावर आइकन, इसके अंदर भी तुम लोग आइकॉनिक आइकन्स। अब यहाँ अगर देखो तो इस तरह का आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमारा प्रोफाइल नहीं है। अच्छा, ये वैसे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा दिया। यहाँ से मैं व्यू बना देता हूँ, व्यू, अब इसके अंदर इंडेक्स होम है, इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माय होम फाइल, एक ड्रावर का है, एक कैप का है, मुझे लग रहा है कैशी इशू है। अगर टैब हटा दिए तब भी आ रहा है, क्योंकि कैशी इशू हो सकता है। वाकई कैसे करते तुम लोग, बड़ा अजीब मसला था। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जो है ना ये वाला, डिलीवरी ऐप,
उसका जो एस आर टी का फोल्डर है वो उधर की ऐप में कन्वर्ट कर दें, फिर जो चेंजेस करना होगा ये हमारे कहाँ है हमारी, ये है ना पुरानी वाली, अब इसकी मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लूँ। ओए इतनी सारी ब्रांच है, ये डिलीवरी है, अगर इसमें एक ब्रांच ये सब डिस्कार्ड कर लूँ, क्रिएट न्यू ब्रांच नाम इसका रखता हूँ राउटर v2 पब्लिश ब्रांच। अब इस राउटर v2 में आते हैं और सब कुछ डिलीट मार देते हैं, और डिलीवरी है अभी खाली है, ये उठाते हैं इसमें गिट को छोड़ के सब कुछ डिलीवरी ऐप में डाल देते हैं। और इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी रहने देते हैं, सही है ताकि मुझे इनवाइट ना करना पड़े सबको। और इसमें भी हमारी कौन सी ब्रांच है अब देखो यहाँ 56 चेंज है, मैं बोलता हूँ न्यू राउटर वर्ड इनिशियल चेंज ऑन आईफोन 16 लॉन्च नहीं हुआ ना, हो गया दुबई में आ गया, नहीं मैंने सुना है कि अमेरिका में प्री बुकिंग चल रही है 6 वीक की, गोल्डन कलर अच्छा वन हमने निकाल दिया है, हाँ हाँ अच्छा यार देखता हूँ मेरी रेपो आई नहीं आई, अगर मेरी रेपो आ गई है तो यहीं चला के देखता हूँ चल रही है नहीं चल रही है, ये ली नहीं जो पुराना था ना, देखो मैंने राउटर v2 इसलिए बनाई है ताकि इस पर आप लोग स्विच करो देखिए पुरानी रेपो है, मैं जिसमें हूँ ना अभी डिलीवरी है, राउटर v2 का कोड है npm स्टार्ट नहीं होगा, पहले यहाँ चलाना पड़ेगा, फिर आपको ये करना कि उस ब्रांचेस से कोड इसमें डालना शुरू कर देना ताकि काम ज़ाया ना हो इसमें आ जाए, और दूसरी रेपो भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फाइल इधर कॉपी करना, नहीं 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 सिर्फ काम की फाइल, जैसे प्रोफाइल उठा के लिया है, सिर्फ सेटिंग उठा के लिया है, एक बंदा एक कोड लाए वो एक लाइव डायरेक्ट मेन पे पुश करे, ठीक है क्या प्रोजेक्टर लगे हैं वहाँ पे, प्रोजेक्टर लगे हैं जैतून वाले ना जेड है प्रोजेक्टर लगे, ये सीलिंग लाइट ये वाली नहीं लगी, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट हाँ बढ़िया तो वो चुपती नहीं है आप
और रोशनी ज़्यादा होती है पीछे से, पीछे भी चला रहा ना आगे पूरा रोशन हो जाता है। मर्ज नहीं होगी क्योंकि वो अलग कोड है, अलग स्ट्रक्चर है। चेक करूँ चल भी रहा नहीं चल रहा ना। एनपीएम स्टार्ट। अच्छा और मैं चाह रहा था नेक्स्ट जिसका प्रोजेक्ट आप बनाना शुरू करें और लेआउट के अंदर आप साइड बार बनाए और चिल्ड्रन साइड में ले आए ताकि जितनी फाइल होंगी वो ऐसा चिल्ड्रन साइड में आए तो ये पूरा एडिटर बन जाएगा। कौन स्टार्ट कर रहा है बनाना? हाँ रिच नेक्स्ट जेस का चिल्ड्रन साइड में आए। एक ही तुम्हें चिल्ड्रन बताना होगा कि इसको साइड में ले आओ, बाकी साइड पर यहाँ बता दोगे और उसमें तुम बोलोगे जिस पे के लिए तो वो राउट चेंज कर दे, चिल्ड्रन खुद ही उस राउट को देख के चलेंगे, लेआउट फाइल चेंज नहीं होगी तो बहुत आसानी से एडमिन पैनल बनेगा। और इसकी प्रैक्टिस करो एक दो क्लास में जब तक। अगर ये चल जाए तो मैं ये पुरानी फाइल बंद कर देता हूँ। फिर अनेबल टू डिसॉल्व कंपोनेंट थीम टेक्स्ट। नाइस। अच्छा क्या बोल रहे हैं? एफ नॉट फाउंड में गए ये हटा देता हूँ, ये इसको कर देता हूँ नॉर्मल व्यू। अच्छा ठीक है अब देखें ये ड्रॉवर बन गया आपका ड्रॉवर स्लैश इंडेक्स। अब आप यहाँ पे आएंगे ना और ये ड्रॉवर के लेआउट पर पेस्ट करता हूँ। यार इसकी मैंने फायदे देखी थी मुझे अच्छी लगी थी। देखो ना तुम्हें टाइप पर बनाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बना बनाया यार है। ड्रॉवर हमने बनाया ही नहीं अभी तक, खुद ही बना बनाया है। तो उसमें इन्होंने लेआउट दे दिया कि वो आप डिपेंड कर, असल में ये लोग नेक्स्ट जेएस का वो कर रहे हैं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नेक्स्ट जेएस। वैसे सर्वर साइड रेंडरिंग होती है नेक्स्ट जेएस की तो फायदे बहुत ऊपर लेवल के होते हैं, हमें पता भी नहीं चलते फायदे हैं नहीं है। राउटर ब्रांच में काम कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर लेना। यार ऐसा ना करें कि ये जरा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, इसको मैं मुस्तफा से सॉल्व करवा के आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊँ। ये तो इसी में हाँ या नेक्स्ट जिस पे वो बनाओ एड कर रहे क्या मसला आ रहा था।
क्योंकि नेक्स्ट जेस में ना इमेज का टैग नेक्स्ट जेस से इंपोर्ट होता है, ये पता है? तो नेक्स्ट जेस में वहाँ से इंपोर्ट होगा, और मेरा ख्याल है तुम्हें शायद डोमेन डिफाइन करना पड़ जाए। नहीं फॉरन लग जाते, बस नेक्स्ट जेस से इमेज इंपोर्ट करना, वहाँ से आई एन जी से नहीं लगेगी। अच्छा रिक्रिएटिव पेपर हो गया, क्रिएट ड्रॉवर की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो यहाँ टी एस एक्स लिखा है ना, तो जैसे ही प्रॉप है इसके आगे मुझे क्या लिखना है, एनी, या फिर एनी लिखना है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें पता हो कि इसके अंदर से दो प्रॉप मिल रहे हैं, एक नेम एक इमेज, फिर डिफाइन कर दो। अभी प्रॉप में तुम्हें पता ही नहीं कि क्या है, इसलिए एनी डाल के छोड़ दो। हाँ नहीं एक दफ़ा बनाने तो पूरे प्रोजेक्ट में वहीं से कॉपी पेस्ट मारने सब जगह पर। अब एरर मुझे मिल रहा है लैग में और पुश में, पुश क्या है, पुश है राउटर। एक काम करता हूँ इसको सीधा सीधा मैं क्यों मेहनत करूँगी, वरना पता है क्या होता, कुछ क्या आगे लिख दो एनी तब चल जाएगा, कि एनी प्रॉप एक्सेप्ट कर लेगा, मसला नहीं है। तुम लोग वो ना हो कि हमने तारीफ सुननी पड़ी, एंड नहीं पड़े। अच्छा मेरी सर रिजान जमान से बात हुई परसों, उन्होंने बोला सर हैदर अली ने भी बोला कि तारीफ किसी ने नहीं पढ़ी है, जिसने पढ़ी है उनको समझ नहीं आई है, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा अब चला के देखता हूँ। अच्छा लिंकिंग देखो, लिंकिंग अब जैसे बल्कि नहीं मोबाइल के अंदर वेबसाइट एक्सेस करवानी हो, कहीं नेविगेट कराना हो, इनसाइड ब्राउजर चाहिए हो गूगल का, जो डेटा यहाँ से जाएगा वहाँ रिसीव कर लो, तो तुम्हारा एटम वाली बन गई कनेक्ट हुई। स्क्रीन शॉट चाहिए तुम्हें, स्क्रीन शॉट देखना पड़ेगा। अब देखो ये होम है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ऑन प्रेस, क्योंकि इसमें प्रेस होता है। इसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया और यहाँ लिख रहा हूँ शेयर डॉट शेयर डाउन ब्रैकेट, ये पी एस एल से इस तरह से मुझे एरर दे रही है। अच्छा शेयर में क्या शेयर करूँ, ठीक है चेक करते हैं। तो छोड़ें, होम पे क्लिक किया,
ये आ गया सेव टू फाइल्स कॉपी, कॉपी कर लूँगा तो मेरे पास कॉपी हो जाएगा। और इसमें आप पूरा व्हाट्सएप वगैरह का हर चीज़ आप सेंड कर सकते हो। मेरे पास आईफोन अगर खुला होता तो आईफोन की एप्स भी आ रही होती, इंस्टा व्हाट्सएप स्नैपचैट वगैरह इतना सा वर्ल्ड है। अच्छा बाकी ये कि हम यहाँ पे जितनी भी फाइल जाना ये देखो मैंने इसको बोला स्लॉट। पहले असल में देखें ऐप का जो राउटर है ना, एक तो यहाँ से देखें ज़रा, मुझे भी अंदाज़ा है आप लोग जो है ना क्या सोच रहे होंगे। एक दफ़ा ये समझ आ जाएगा ना फिर तुम लोग प्रॉब्लम भी होगी। देखो ऐप के अंदर हमारे पास है नॉट फाउंड को भी उड़ा दो, मसला नहीं है। एस्टीमेट भले रहे वही है जो हमारे में बनती है। हाँ मेन फाइल है भी लेआउट। लेआउट में हमने बोला कि हमें गेस्ट हैंडलर चाहिए, क्या होता है ये स्वाइप हो रहा है जिससे, ठीक है। और हमने बोल दिया स्लॉट, इस स्लॉट का मतलब है इसके अंदर का लेआउट, मतलब कुछ भी है इससे चल रहा है, स्लॉट से चल रहा है। अगर मैं स्लॉट नहीं लगा रहा था शायद तब भी चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा फिर मैं ये करता हूँ कि अगर ड्रॉवर लगाऊँ दोबारा तो ये नाइस अच्छी, तो इसका एक काम हल ये करते हैं ना, ऑप्शन है इसमें नहीं है स्क्रीन ऑप्शन हेडर शो फॉल्स। अब सही, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा, अब बार वाला व्यू नहीं आ रहा नज़र। ये एंड में जो कर दिया ये मैंने लाया है, इधर मैंने प्रोफाइल पीछे लगाई थी। चलो यार कुछ तो क्लियर हुआ, एक ट्रैक पे तो आया, स्लॉट की ज़रूरत नहीं है। और क्या है उस वक्त मसला आए थे जब मैं उसको दबा रहा था ना, ऊपर वाला जो मेन्यू था वो खोल रहा था ड्रॉवर का फाइल, और वो भी शायद इस वजह से क्योंकि मैंने यह गेस्ट हैंडलर बोला हुआ था। खैर जो भी मसला था, अब मैं इसको ज़रा पुश करता हूँ, न्यू लेआउट चेंजेस। अच्छा इस लेआउट के अंदर मैंने बताया था हाइट 190 और इमेज है कवर इमेज, और इमेज कहाँ से आ रही है अनस्प्लैश पे जाते हैं ढूंढते हैं, डिलीवरी बॉय कॉपी इमेज एड्रेस। इस इमेज पे अच्छा ईमेल का यूज़र है यहाँ पे, यहाँ मैं फिलहाल अपना लिख देता हूँ।
पहले मैं इमेज दूसरी यूज़ कर रहा था वो वाली के जो कैची में सेव कर दे, अब मैं ये नॉर्मल इमेज यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रिएटिव से मुझे अभी याद आया। उस समय चल रहा था बार बार रीलोड ना करे इमेज। कैची में सेव क्रिएट क्रिएटिव एक्सपो इमेज से होती है। एक्सपो इमेज से इमेज इम्पोर्ट कर लो, अगर तुम्हारी की जो है ना की जो तुम लोग मैप चलाते हुए देते हो वो सेम होगी तो दोबारा कैच वो कैची में से उठा लेगी डेटा। कैची तुम्हारी इमेज डाउनलोड करके सेव करती है एसिंक स्टोरेज में, और कैची में और एसिंक स्टोरेज सिर्फ यूआरएल सेव करेगी, इमेज सेव नहीं करेगी। यूआरएल सेव होने में और पूरी इमेज सेव होने में फ़र्क है, नहीं होगा होता भी तो फॉल्ट टक्कर के तुम्हारे सामने। जैसे इंस्टाग्राम जो है डेटा लोड करता है, व्हाट्सएप लोड नहीं करता। व्हाट्सएप मैसेज भेज भी तो पड़ा रहेगा, जैसे नेट चलेगा भेज देगा। ये क्या नाम है टेक्नोलॉजी का यार, रेडियस या इस तरह का नाम है क्या, रिडक्स नहीं, एक टेक्नोलॉजी जो ये करती है सिंकिंग करती है। मोबाइल कहाँ गया मेरा, अच्छा अब हमें एक काम ये करना है, ये जो लेआउट है अगर मैं लिखूं व्यू और टेक्स्ट तो क्या ये चलता है, नहीं चलता है टेक्स्ट हाई लिखा हुआ आ गया। ठीक है हेडर बनाया था किसी ने, कंपोनेंट्स इसके अंदर तुम्हारा हेडर नहीं बनाया था, हेडर ये ना हेडर यूज करना है, एडोब यूज करना है नहीं तो इसमें स्टाइल ही नहीं है, ये क्या यूज करो नहीं तो फिर हेडर खाली क्यों, हेडर किसने किसी ने नहीं बनाया हेडर, हेडर और टीएसएक्स फंक्शन। अब देखो अब हम बनाते हैं वो हेडर, हेडर क्या रिसीव करेगा प्रॉप, प्रॉप्स यहाँ बोल देते हैं हम हेडर प्रॉप इंटरफेस, क्या आएगा इसके अंदर टाइटल और टाइटल क्या होगा स्ट्रिंग। हाँ मतलब प्रॉप के अंदर क्या मिलेगा ये, अभी कोई मुश्किल चीज़ है बस इतना सही था। सही इंटरफेस क्या है, टाइप डिफाइन करना कि तुम्हें क्या इंटरफेस मिल रहा है, सबकी टाइप डिफाइन करना वरना एनी मार दो। और क्या आएगा इधर टाइटल,
टाइटल नहीं, प्रॉप्स डॉट अप टाइटल, और हेडर हो जाएगा क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये लेआउट तो चलो खैर है, इस लेआउट में जाके हेडर करते हैं इंपोर्ट। पास नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं देखो, प्रॉपर्टी टाइटल इज मिसिंग इन टाइप। तो ये बहुत अच्छा सिक्योर सिस्टम है कि इसको पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट में ये लूप होल्स कवर्ड है, तो सही। अब अगर मैं चाहूँगा मैं पास करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये नहीं बोल रहा है, अब बोल रहे भाई तुम्हारा भुला हुआ, तुम दो ना दो तो कोई मसला नहीं है, गुजारा कर लेंगे। ये इसकी शायरी है, ये एक फ़ायदा, क्योंकि हम कंपनी में काम करते थे ना, तो अब हम लिखे जा रहे हैं प्रॉप, अब इतने से कंप्लेंट उसके अंदर हज़ारों लाइन है, उस कंप्लेंट के अंदर एक और कंप्लेंट उसमें भी हज़ारों लाइन है, तो बहुत फ़ायदा होता है कि अब एक चीज़ पास कर लो वो आराम से जाती जा रही है, आपको पता है कहाँ जा रही है और उसके अंदर क्या मिल रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ बोलूँ टाइटल ना मिले तो भाई आपको क्या दिखाना है, होम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं स्टाइल डॉट हाइट कितनी हो, 50, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, और पैडिंग 10, और इसको दे दो सेफ ये रिव्यू। सेफ ये रिव्यू क्या है, बहुत अच्छा सवाल है यार, ये सी के काम कर नहीं रहा लेकिन करता है, अभी नहीं कर रहा, ये ही करता है जैसे एंड्रॉयड में छोटा नोटिफिकेशन बार है, आईओएस में बहुत बड़ा है, वो खुद ही अपने हिसाब से सेट करके उसके नीचे से शुरू कर देगा। बटन बनाने के लिए तो ये भी है, टचेबल से बटन बनाते हैं, नॉर्मल टचेबल ओपेसिटी, इसके अलावा भी है टचेबल ओपेसिटी विद फीडबैक, नो डिफरेंस देखने पड़ेंगे। हाँ टाइटल नहीं मिल रहा इसलिए होम मिल रहा है, अगर मैं टाइटल पास कर दूँ तो होम यूज नहीं करेगा। अच्छा इसमें बोलता हूँ अभी मार्जिन टॉप 100, सॉरी पैडिंग टॉप 50, 150, 100, लेकिन यार इसका टेक्स्ट काम नहीं है, टेक्स्ट टाइटल में पास कर देते हैं, होम
वैसे हेडर या डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं है। वजह किसी को पता है? नहीं, क्योंकि नाम कैसे पास करेंगे? हम यही करते हैं कि ये लेआउट यहाँ से हटाते हैं, इंडेक्स में चलते हैं, इंडेक्स में लगाते हैं। अब हर फाइल में हर बंदा अपना बुलाएगा, ठीक है? फ्लैक्स नहीं मिल रहा, फ्लैक्स अगर पेरेंट को नहीं मिलेगा चाइल्ड में पास नहीं होगा, सही है? अब ये तो बन गया, अब तुम लोग क्या करोगे, ये खुल नहीं रहा, तो जाते हैं हेडर में, इसको बोलते हैं कि जब भी आप पे ऑन प्रेस हो आपको क्या करना है, नेविगेटर या फिर एक काम करता हूँ const route equal to use route or route dot एक और काम करता हूँ, use navigation navigation dot total router toggle मैं इसका तो अच्छा किसी और को सोल्यूशन मिले, नेविगेट हमें टॉगल टॉगल करना है ताकि मेन्यू पे क्लिक करें ना तो वो साइड से खुल जाए, वो याद नहीं आ रहा किससे होता,
बेहतरीन हम यूज़ नेविगेशन इंपोर्ट कर रहे थे राउटर से, हमें करनी थी नेविगेशन से, और अब हमारे काम चल गया, हेडर डन है। मैं यहाँ पुश कर देता हूँ हेडर पार्ट डन, देख लेते हैं। तो आपने अपनी राउट बनाया ना, हम नई राउट बनाएंगे तो हम मेन में कुछ करेंगे नहीं ना, राउटर V2 में सब काम करो, राउटर V2 के अंदर नहीं बनाएंगे, फाइल बनाओ, बिल्कुल न्यू फाइल बनाओ। अच्छा ब्रांच नहीं बनाया? नहीं अब ब्रांच कोई नहीं बनाना, सब लोग राउटर V2 में काम करो और इस तरह करना जैसे कि मैंने करा है। हेडर की फाइल बन गई है, यहाँ कहाँ एरर आ रहा है, या आ रहे हैं इसमें। अब इसका हल क्या है, क्या बताया मैंने इधर है नहीं मसला हल, तो एनी हर जगह लगाना है लेआउट का। अच्छा एक और चीज़ सुन लो, लेआउट के अंदर मैंने यहाँ क्या डिफाइन की हुई, पूरी नेविगेशन, जैसे कि यहाँ जा रहे हो ना, तो ये होम प्रोफाइल नोटिफिकेशन सेटिंग इनवाइट फ्रेंड वगैरह वगैरह, ये डमी है, आप लोग अपनी फाइल सेट करते जाओ और उसको इस तरह कर देना। या मैं क्या करता हूँ ये हटा देता हूँ, सही इनिशियल राउटिंग वगैरह तुम लोग डायरेक्ट होम रेंडर कराओ। अब ज़रूरत नहीं, अब तुम लोग सिर्फ ये करोगे कि ड्रॉवर के अंदर फाइल बनाओगे बस, जैसे कि प्रोफाइल डॉट TSX, और मैं गया कहाँ है तुम्हारा कोड, इसके अंदर गया और मेन के अंदर क्या था, क्या देखना था मुझे, प्रोफाइल, ये तो किसी ने भी कुछ पुश किया है क्या, किसने क्या तुमने, अच्छा हमारा सारा कोड पुराना गया क्या, जाके यहाँ खोलता हूँ, ये है जैसे प्रोफाइल पेज ना, तो मैं यहाँ गया और प्रोफाइल पेज यहाँ पेस्ट किया, इसको कर देता हूँ मैं जैसे, अब यहाँ पे देखो मेरी प्रोफाइल है ये रहा, इसमें क्या है, इसमें बोलता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल पे चले गया, ठीक है। अब इसमें अब मैं एक और काम करता हूँ, प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ पे हेडर प्रोफाइल पेज एडिट। अच्छा अब पढ़ान तुम अपना शॉप वाला जो काम है
डायरेक्ट राउटर V2 के अंदर एक फाइल बनाना, उसके अंदर पुश करना इस तरह। देखो सही हो गया। वहाँ पे जो तुमने काम किया ना जिस फाइल में, उसको कहीं सेव कर लो, कहीं भी नोट पैड वगैरह, फिर सब डिस्कार्ड किया, रिफ्रेश पुल करो काम इस वाली रेपो में, राउटर V2 ब्रांच चेंज कर लेना, उसमें जाके एक नई फाइल क्रिएट करना और जो तुम्हारा काम है ना वो यहाँ ले आना और पुश कर देना बस। और फॉर एग्जांपल तुमने प्रोफाइल पेज पुश किया तो लेआउट के अंदर यहाँ आके ड्रॉअर आइटम ऐड कर देना, नाम लेबल प्रोफाइल, ऑन प्रेस पे जो पुश करना है वो पुश, जिस फाइल पर पुश करना है फाइल नाम यहाँ लिख देना। ब्रांच चेक करो, ब्रांच नहीं जो फाइल मैनेजर पे जो अपडेट फोल्डर था जो ये भी है उसी में दोबारा ले लिया सारी चीजें, सभी ले ली उसी में। यार तुम पढ़ नहीं मारो जो भी हो पढ़ना पड़ेगा। हाँ कोड तो पढ़ा है अभी, क्लाउड लेकिन सब लोग राउटर V2 से करना काम, शुरू से करेंगे पढ़ा भाई ना कोड उसके पास भी, और ढूंढ ढूंढ के करते रहो। बाकी नेक्स्ट जस्ट भी ध्यान देना साथ साथ, ठीक है, फारिक कोई ना बैठे, एंडिंग के दिन चल रहे हैं, 1.5 महीना बाकी है, 2 महीने सर। हाँ इन्होंने अपोलो कहा था अपोलो ग्राफ फेल, लेकिन वो थोड़ा हाई है।